वतनों दूर देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। डेरा मुखी राम रहीम विरुद्ध चल रहे रणजीत कतल केस विच सीबीआई अदालत ने वड्डा फैसला दिता है। सीबीआई अदालत ने गुरमीत राम रहीम नू रणजीत कतल केस विच दोषी करार दिता है। सुनहरे जेल विच बंद राम रहीम समेत पांच मुलजमान नू दोषी करार दिता गया है। सीबीआई जज डॉक्टर सुशील कुमार गर्ग की अदालत विच तकरीबन ढाई घंटे की बहस तो बाद दोषियों नू शुक्रवार नू दोषी करार दिता गया। सीएबी की विशेष अदालत 12 अक्टूबर नू सारे दोषियों की सजा का ऐलान करेगी। जानकारी अनुसार राम रहीम, कृष्ण लाल, सबदील, अवतार, जसबीर नू मामले विच दोषी करार दिता गया, जदों कि एक होर दोषी इंदर सैन की मौत हो चुकी है। शुक्रवार नू मुलाजम डेरा मुखीर गुरमीत राम रहीम अते कृष्णा कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंस राही मामले विच पेश होए सन। इस दे नाल ही मुलजम अवतार, जसवीर अते सबदिल सीधा अदालत विच पेश होए। इस तो पहला अदालत ने 26 अगस्त नू इस मामले विच अपना फैसला सुनाना सी। 19 साल पुराने इस मामले विच फाइनल 12 अगस्त नू होया। इस हफ्ते के शुरू विच पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम के खिलाफ कतल की सुनवाई नू पंचकूला की सीबीआई अदालतों किसी होर सीबीआई अदालत विच तब्दील करने की पटिशन खारिज कर दी सी। हुण पंचकूला की सीबीआई विशेष अदालत ने गुरमीत राम रहीम सिंह अते पांच होर सह दोषियों नू आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी करार दिता है। सजा का ऐलान 12 अक्टूबर नू किया जाएगा। गुरमीत राम सिंह अपने आश्रम विच अपनियां दो महिला साधवियां नाल बलात्कार के मामले विच 20 साल की सजा कट रहा। उसनू अगस्त 2017 विच पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत ने दोषी करार दिता सी। 2019 विच गुरमीत राम रहीम सिंह अते तीन होरना नू पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की कतल का दोषी करार दिता गया सी, जिसने डेरा सच्चा सौदा मुखी द्वारा उसके आश्रम विच औरतों के यौन शोषण बारे एक गुमनाम पत्र प्रकाशित किया सी।